बढ़ते प्रभाव को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। जहां एक और वाहनों की जांच की जा रही है, वहीं लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना का जो बचाव का जो तरीका है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। गुमला के SP खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य कुछ जवान भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही, खुद पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और कोरोना का ये बचाव के लिए कर रहे हैं। यहाँ जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि सर एक चीज़ बताइए, आप अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मास्क कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है और जिसके चलते मास्क का वितरण किया जा रहा है कि अवेयरनेस के लिए कि मास्क का प्रयोग करें और कोरोना से बचाव करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है कि समाज में जागरूकता को पुनः फैलाया जाए। बहुत आदमी बिना मास्क के घूमते हैं, उसका पालन किया जा रहा है। अपील करते हैं कि कोरोना के चलते जो प्रभाव देखा जा रहा है कोरोना का, कि सभी कोई मास्क का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि बेहतर समाज बनेगा। फिर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों में जागरूकता का भी अभियान भी फैला रही है और ये बहुत ही अच्छा पुलिस का स्टेप है। लोगों को मास्क लगाना चाहिए और अपने भी बचे, दूसरे को भी बचाए। एकदम मास्क लगाना चाहिए। बीच में थोड़ा कोविड कम हो गया तो आदमी लापरवाह हो गया। धीरे धीरे ये तीसरी लहर का प्रकोप नज़र आ रहा है, इसलिए आदमी को एकदम सावधानी बरतना चाहिए। मास्क एकदम लगाना चाहिए, अनावश्यक भीड़ भाड़ में भी वहाँ जाकर नहीं जाना चाहिए। मास्क नहीं लगाते हैं, हम इन सब बात करना चाहते हैं। बताइए, मास्क आप नहीं लगाए? मास्क नहीं लगाए हैं, लगा लेंगे मास्क। क्या पता है ना कोरोना है? हाँ, परवाही बहुत ज़्यादा है, लोग लापरवाह हैं। कहीं ना कहीं अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आता है, तो पुलिस प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, जिसके कारण कोरोना का प्रभाव बढ़ता है और लोगों की परेशानी बढ़ती है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मास्क लेने वालों की होड़ लगी है, लोग मास्क लेना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा मास्क लगाया जाना चाहिए वो भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन की जो पहल है काफ़ी अच्छी है। मास्क नहीं लगाया गया, क्या बात है? जी सर, अभी लगाए थे, अभी नहीं पकड़े हुए हैं, लगाते हैं हमेशा। दिक्कत तो हो सकता है ना? जी सर, जी सर। तो मास्क लगाना चाहिए ना? जी सर, लगाना चाहिए। अभी पुलिस मास्क बांट रही है। जी सर। कैसा है ये? बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है, है? जी बहुत अच्छी बात है सर। मास्क क्यों नहीं आपके पास है? मास्क जी नहीं, अभी नहीं पकड़े हैं, अभी तुरंत निकले थे ना। इस वास्तव नहीं लगता है? डर लगता है सर, पहनेंगे। मास्क आपके पास का है? मास्क कहाँ है? मास्क सर देखना पड़ेगा। सॉरी सर, गलती हो गया। मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए सर। मास्क से क्या फ़ायदा होता है? मास्क से हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मास्क लगाने से एक दूसरे से मतलब जो संक्रमण फैलता है वो संक्रमण नहीं फैलेगा। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। और बिना मास्क के जो परिस्थितियाँ हैं, कोरोना की परिस्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे में लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है, लोगों की लापरवाही निश्चित रूप से काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और पुलिस प्रशासन के लोग लगातार मास्क का वितरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी पहल है पुलिस की ओर से। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं मास्क को लेकर अलर्ट रहें। आप ये प्रयास करें कि आप मास्क के बगैर घरों से ना निकलें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, क्या परेशानी है। देखिए, परिस्थितियाँ इतनी भयावह है कि पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। लोग बिना मास्क के अगर घूम रहे हैं तो वो कोरोना के शिकार हो सकते हैं और कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ काफ़ी भयावह है, लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से किया जा रहा पहल निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है, जो लोगों को कोरोना से बचाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट है पुलिस प्रशासन के इस पहल की लोग भी सराहना कर रहे हैं और हम भी अब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग मास्क लगाएं, तभी जाकर कोरोना से बच पाएंगे। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उससे गुमला भी अछूता नहीं रह गया। गुमला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की इस पहल की लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।